गली में काम चल रहा है बहुत ज़्यादा। तो गाइस पहले मैं थोड़ा सा आलू को भून रही हूँ। आप खेल, तुम खेल रही हो? जय श्री राम सभी को। जय श्री राम। बनी बाय तो कर दे यार, पूछी भी नहीं करेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के 10:30 हो रहे हैं। मैं नहाने जा रही थी, ठीक है, और नाश्ता बनाऊंगी, फिर नाश्ता करूंगी। घर के सारे काम हो चुके हैं। बाकी कुकू यहाँ पे खेल रही है, मेरी दिख रहा होगा आपको, अपनी कार से खेल रही है, बटन दबाती है। तो मैं फटाफट नहा लेती हूँ क्योंकि अभी मुझे नहाना है, और नहा के फिर डायरेक्टली मैं नाश्ता बनाऊँगी, पूजा वूजा कर दूँगी। और आज मैं बहुत थोड़ा लेट उठी थी, इस वजह से मेरे काम लेट हो गए। मुझे पता नहीं क्यों बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहने लग गया है, तो बाम वगैरह लगाऊँगी क्या, लगाती भी हूँ लेकिन वो दर्द जाता नहीं है, क्योंकि यार कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है भाई, प्रेगनेंसी के बाद यही सब चलता रहता है, दर्द वगैरह। खैर छोड़ो, मौसम बहुत गर्म गर्म सा हो रहा है, मैं ये पहनूंगी नहीं अब क्योंकि बहुत गर्मी लगती है इसमें ना। बाकी नहा के आती हूँ, ठीक है, मिलते हैं आपको नहाने के बाद। तो गाइस मैं हो गई हूँ तैयार नहा धो के, पूजा भी मैंने कर दी है, ठीक है, अब मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। एक्चुअली ना गली में काम चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से आवाज़ आ रही होगी। सिविल लाइन तो बीच में डल गई थी, अब जो है वो कनेक्शन देने के लिए खुदाई कर रहे हैं घरों की, तो वो खुदाई चल रही है अभी ना। बाकी आज मैं अब नाश्ते में क्या बनाने वाली हूँ दिखा देती हूँ आपको। आज मैं बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी। मैंने साबूदाना रात को भिगो दिया था, थोड़ा सा धो के इसको हल्के से पानी में भिगो दिया था। ये अच्छा खासा मतलब हो गया है, बड़ा हो गया है, क्या कहते हैं उसको, फूल गया है मतलब। तो अब मैं थोड़े से आलू वगैरह काटूँगी और इसको बनाऊँगी। बाकी कुकू को मैं थोड़ी देर बाद मिलाऊँगी क्योंकि अभी टाइम है, हाँ 11 बजने वाले हैं अभी, तो मैं इसे बाद में ही निलाऊँगी गर्म पानी करके नाश्ता करने के बाद। और ये टी शर्ट देख रहे गाइस, ये मुझे आशीष ने दिलाई थी। तो जब वो दिला रहे थे ना मुझे, तब मुझे सही बताऊँ तो ये पसंद नहीं आ रही थी, मतलब मैंने उन्हें बोला था ये कलर कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हाँ बेटा रुक जाओ। तो मैंने उनको बोला मुझे लेनी नहीं है, तो उन्होंने बोला कि नहीं आप ले लो, देखो अच्छी लगेगी आप पे। क्या नहीं, वो नहीं देना, माचिस मांग रही है मेरे से, नहीं देंगी बेटा वो, आप कुछ कर लोगे तो। तो मैं लेने ही मना कर रही थी, लेकिन जब मैंने अब पहनती हूँ ना इसको, तो मैं इसी को ज़्यादातर पहनती हूँ क्योंकि ये इसका कपड़ा बहुत सॉफ्ट है और पहनने में बहुत कंफर्टेबल है। भले ही मुझे कलर कॉम्बिनेशन अभी पसंद नहीं है, लेकिन टी शर्ट बहुत अच्छी है मतलब। बाकी आप लोग बताना, मेरा गला ख़राब हो रहा है। बाकी आप लोग बताना कमेंट में ये टी शर्ट कैसी लगी आपको। स्टूडियो में कभी कभी कपड़े अच्छे मिल जाते हैं, मतलब रेंज में भी अच्छे होते हैं और कपड़ा भी अच्छा निकल जाता है। और गले में ना हल्का दर्द सा हो रहा है, मुझे लग रहा है खांसी हुएगी मुझे ना। कुकू हेलो करी आपने सबको, हेलो करी क्या, हेलो करो। ये जो स्केच चलवा के आई थी ना, ये मैंने बहुत कोशिश करी छुटाने की पर छूटे नहीं अभी तक, छूटे नहीं। और ज़्यादा रगड़ नहीं सकती ना, स्किन बहुत सॉफ्ट है इसकी अभी। मेरा बच्चा छोटा बेबी है ये, मेरा बहुत ही प्यारा छोटा बेबी। थैंक यू। A few moments later. लाओ दो, मम्मा को दो। ये चलो आप फेंको चलो फेंको। अरे ऐसे नहीं बेटे, फेंक के देगी, आप लेके आना, ठीक है। ये लो, जाओ लेके आओ, ये मेरा गुड्डू। तो गाइस पहले मैं थोड़ा सा आलू को भून रही हूँ क्योंकि वह आलू कच्चे रह जाएंगे, बहुत पतले पतले काटे मैंने। कुकू भी यहाँ बैठ चुकी है मेरे पास ही, है ना कुकू? मम्मा खाना नाश्ता बना रही है और बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ मैं, जैसा बताया मुझे वैसे बना रही हूँ। एक्चुअली मैं ना कल सामान लेने गई थोड़ा दुकान पे, तो एक मतलब लेडी मिली मुझे वहाँ पे, तो वो साबूदाना ही ले रही थी, तो उन्हें देख के मेरा मन कर गया कि मैं ले लूँ। तो मैंने दो बार बनाया है साबूदाना घर पे यहाँ पे, लेकिन मैंने ना पतले वाला बनाया, जो पतले वाला होता है रेशे वाला। तो मैंने सोचा कि मैं सूखा भी ट्राई करती हूँ, क्योंकि फास्ट में ना काफ़ी लोग यही खाते हैं और मुझे ये पसंद भी है। जैसे साबूदाने की खिचड़ी और सामक के चावल जो होते हैं ना व्रत में खाते हैं, वो वाले वो मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत खा रही थी घर पे अपने।
अच्छा तो बाकी नाश्ते में अच्छे रहते हैं, पेट भी भर जाता है और हेल्दी भी रहते हैं। तो अभी ये थोड़े से आलू भून जाएंगे ना, तो फिर मैं इसको साबुदाने को गिरूंगी, इसमें हल्का नमक और हल्दी गिर देती हूँ अभी इसमें। जब बन जाएंगे तो मैं आपको तब दिखाती हूँ, ठीक है? खा के बताऊँगी कैसा बना है। Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell. तो गाइस अपना साबुदाने की चिट तैयार हो गई है और देखने में तो अच्छी लग रही है, पर खाने में कैसी होगी वो नहीं पता मुझे। तो गाइस नाश्ता तैयार है मेरा और चाय भी, और मैंने कोको को भी थोड़ा दे दिया अलग से, खाने की कोशिश तो कर रही है, थोड़ा मैं खिलाती हूँ इसको, थोड़ा खुद खाती है, तो ऐसे कर करके खा सीख जाती है, सीख गई है मतलब, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं सीखी है पर थोड़ा बहुत सीख गई है ना कोको। अब मम्मा खा के देख लें, एक बार खा ले मम्मा एक बार। बोले मेरा बेटा खिला रहा है मुझे, ओले बहुत टेस्टी है भाई, बहुत टेस्टी है। तो गाइस मैं भी खा के देखती हूँ सर, वैसे देखने में तो मुझे सच में अच्छा लग रहा है ये। वाकई में टेस्टी है। तो आप लोग भी बनाओ और खाओ, एंजॉय करो, मैं भी खा लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपको, ठीक है? गुड इवनिंग गाइस। जा लाई थी घर पर, कुको खिला रही है। तुम खेल रही हो? कुकू की तो खिला रही हो तुम अभी, या खुद खेल रही हो? तभी तो बोला मैंने कुकू को खिला रही हो। क्या हुआ? दो दांत बंदर से के, उसको उतरना नहीं है। तो गाइस जाल मेरे लिए ये लेकर आई है आज, बेर, और ये वाले बेर मुझे बहुत पसंद है, मुझे बड़े वाले पसंद नहीं जाल इतने, ये खट्टे मीठे से लगते हैं ना, हल्के हल्के। अच्छा आ गई आंटी, ठीक बढ़िया है, काफी दिन से जा रखी थी, मुझे ये बहुत पसंद है पता है, इन्हें काले नमक के साथ खाओ ना तो और टेस्टी लगते हैं। देखो छोटे छोटे हैं, उठाने पड़ रहे हैं इसको, नहीं पसंद। किसको? इसको। कुकु को? हाँ, मतलब इसको बेर नहीं पसंद, ठीक है। जाल ठंडा निकाल देना इसकी। ठीक है कोई बात नहीं, नहीं खाते, वैसे भी बीज होता है ना उसमें, क्या पता उसके गले में चला जाए। नहीं खाना? नहीं? मैं खा जाऊं? 1 hour later. 22 तारीख को आपको 22 जनवरी को एक रंगोली करनी है और 5 दीपक जलाने हैं। तो गाइस जो अयोध्या में मंदिर बना है उसका प्रसाद देने आए थे, वो बच्चे खिलाने। ओए काय कर रही है? टाटा टाटा कहते टाटा टाटा कहते टाटा बाय टाटा। तो गाइस मैंने व्लॉग में देखा था किसी के कि ऐसे ये प्रसाद बांट रहे हैं सबको, तो इसे मंदिर में रखना है और बाकी 5 तारीख को 5 दीपक जलेंगे, रंगोली बनेगी, तो वो करूँगी मैं, ठीक है? बाकी जय श्री राम सभी को, जय श्री राम। तो गाइस कुकु बिल्कुल नहीं रुक रही घर पे, थोड़ा घुमा के लेके आ रही हूँ उसको, आके खाना वाना बनाऊंगी अपने लिए, अभी थोड़ा घुमा के ले आते हैं ना कुकु, घूमी घूमी जाएगा मेरा बेटा। आई आई हाँ जी कुकु जी, घूमने जा रहे हो? जय जय करो, चलो मंदिर आ गया, करो जय जय। हम थोड़ा सा मार्केट तक ही जा रहे हैं, थोड़ा घुमा के ले आऊंगी इसको, इसका मन बहल जाएगा एक्चुअली।
कितने दिन हो गए, मैं भी खुद घर में रह रहा के ना बोर हो गई हूँ। सही बताऊँ तो क्या दिखा रही हूँ मैं आपको, जरा पकड़ लेना जरा। घर में रह रह के बोर हो गए हम दोनों माँ बेटी, पता नहीं आशीष कब तक आएंगे। हाँ क्या करें, जहाँ लाए एक सहारा मेरा और वो आती है तो मन लग जाता है, हम वीडियोस वगैरह बना लेते हैं। बाकी तो थोड़ा घूम फिर भी लेती है मेरे साथ बेचारी। फिर हम छुट्टी चले जाएंगे, वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेगी, बोर्ड आने वाले ना जहल। चलो बहुत ज़्यादा परेशानी। A few moments later. कुकु बाय तो कर दे मम्मा को, सोनी बाय तो कर दे यार, पूछी भी नहीं करेगा, पूछी भी नहीं करेगा मम्मा को, मैं लड्डू। ठीक है जहल, तो गाइस कुकु चली गई जहल के घर पे, मैं तब तक जाके खाना वाना बनाती हूँ अपने लिए फटाफट। बिल्कुल मन नहीं लग रहा यार आशीष के बिना, तो बिल्कुल मन नहीं लग रहा मेरा यार, कैसे दिन कट रहे मेरे, मैं ही बता सकती हूँ, मतलब मैं ही तो बता रही हूँ आपको। क्या बोल रही हूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा, पर मेरा दिमाग ख़राब हो गया अब, मैं रह नहीं पा रही यार आशीष के बिना बिल्कुल भी। मतलब ऐसा हो रहा है कि बस मुझे अभी कोई बस या ट्रेन मिल जाए और मैं भाग के चली जाऊँ आशीष के पास, मैं जो आने वाला ना मैं छोड़ूंगी नहीं उनको बिल्कुल भी, और जाने नहीं दूंगी उनको ड्यूटी पे। गुस्सा आ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा, सच बता रही हूँ गाइस, सच में बिल्कुल मन नहीं लग रहा मेरा। तो गाइस मैंने खाना खा लिया है और अभी 10 बजने वाले हैं, 10 ही बजने वाले हैं, तो मैं कुकु को लेने जा रही हूँ जहाँ के घर पे ही है, और एक रोटी लेके जा रही हूँ गाय को दे दूँगी। तो मेरा तो खाना वाना हो गया था, बस आके मुझे सोना ही है, उसको सुलाना है और आशीष से बात करूँगी। मुझे अकेले खाने खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे आशीष चाहिए होते हैं, बिल्कुल मन नहीं लग रहा यार सच्ची, बिल्कुल मन नहीं लग रहा, मैं कैसे बताऊँ उनको मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा। आ जाओ बाबू जल्दी आ। थैंक यू, मैं ले जा रही हूँ, चलो बेटे चलो आ जा आ जा। देखिए नानी आप मेरी मम्मी जैसे कपड़े पहन रहे हो, मेरी मम्मी ऐसी रहती है घर में, बाय कर रही है। कुकु आपको छप प्यार करते बेटी, आपको छप पसंद करते। चलो चलो। तो गाइज मैं रूम में आ चुकी हूँ और कुकु को भी ले आई थी, कुकु बाहर की अभी पता नहीं क्या कर रही है, तो बुलाती हूँ रुको अभी से। बाकी व्लॉग को एंड ही करना था, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करें और मजा आना चैनल को। ओके गाइज बाय, गुड नाइट, सब अपना ध्यान रखिए, मैं बुलाती हूँ अभी कुकु, कुकु जल्दी आओ बेटा, देखो कैसे भाग गई कैसे गिर गया तू, कैसे गिर गया वो, अरे फिर गिर गए, ये क्या बात हो रही है, कैसे बार बार गिर रहे हो, हाँ दिखाओ दिखाओ दिखाओ, चोट लग गई मेरे बेटे की, ओले मेरा बच्चा। कुकु बाय कर दो, चलो सबको बाय कर दो बेटी, कुकु बाय कर दो, से बाय, बाय करो पहले, पहले बाय करो, बाय कर दो प्लीज, मम्मा की बात नहीं सुननी, मम्मा चिज्जी नहीं देगी फिर। कुकु बाय कर दो, नो पहले बाय करो, मम्मा फिर देगी, अभी मानेगी नहीं जब तक चीज नहीं मिलेगी ना। कुकु बाय कर दो बेटी, फ्लाइंग किस कर दो, अच्छा मम्मा को फ्लाइंग किस कर दो, मम्मा को इसमें कुछ नहीं है, खाली है वो, बाय करो पहले, बाय करो, नहीं सुनेगी भाई, लड़की बहुत जिद्दी है। चलो गाइस बाय, सब अपना ध्यान रखिए, और अगर आपको मतलब वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगी हो, क्योंकि आज मैं काफ़ी दिनों से वेट ही कर रही थी कि अयोध्या का जो प्रसाद है वो हमारे घर भी आए, तो यहाँ पे आज बटा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। ओके गाइस बाय बाय।